ये देखो ये हम लोग गट्टी लेके आए, ये समथिंग हम लोग को 58 रुपीस में पड़ा है एक पार्ट, तो ये समथिंग 116 रुपीस में पड़ा हुआ है ये पूरा दोनों साइड का। काम करते करते कोई बसड ना हो ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अभी नकल गार्ड लगाते हुए, ये नकल गार्ड लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्सी को टच हो रहा है तो जैसे एक्सी घुमा रहे तो टाइट हो जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइड एक हम लोग को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा लॉक करने के लिए, क्योंकि जो जूना वाला था उसका ब्रैकेट हो गया टूट चुका है, तो अभी यहाँ पे कुछ ब्रैकेट डाल के हम लोग को पूरा लॉक करना पड़ेगा। हे गाइस कैसा है मुंबई खमा गणिजा केम चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके सो गाइस आज हम लोग आए हैं बोरीवली वेस्ट। एक्चुअली हम लोग कल गए थे कुर्ला, कुर्ला मार्केट से बाइक के थोड़ा एक्सेसरीज लेके आए जो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। FZ मेरे फ्रेंड का बाइक है, FZ V2, हम लोग इसको करने वाले अभी मॉडिफाइड में यहाँ पे करेंगे। हम लोग लेग गार्ड डाल रहे हैं नया, उसके बाद हम लोग डालने वाले इस पर नकल गार्ड लाइट, हम लोग इन फ्यूचर इसको मॉडिफाइड करके एज ऑफ ना हम लोग ये दो चीज़ करने वाले हैं। होप फॉर दी बेस्ट कैसे आने वाला है। या का अब तक लेग गार्ड तो निकल चुका है, इंट्रो में स्टार्ट करना भूल चुका था, बट या अभी देखते हैं भाई। ये साइड का राइट हैंड साइड का भी करेंगे टाइट, थोड़ा सा इशू आ रहा है वो ये है कि ये साइड का जो भी था ये साइड एक हम लोग को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा लॉक करने के लिए, क्योंकि जो जूना वाला था उसका ब्रैकेट हो गया टूट चुका है, तो अभी यहाँ पे कुछ ब्रैकेट डाल के हम लोग को पूरा लॉक करना पड़ेगा। होप करें कि कुछ अच्छा आए व्यू, जैसा मेरे को एक्सपेक्टेशन से वैसा आना चाहिए। और ये जो हम लोग को पार्ट से कितने में पड़ा क्या पड़ा मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा, बट तब तक आप थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो, कैसा व्यू आने वाला है क्या है सब एंजॉय करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. As you can see, guys, abhi hai na, juna wala jo leg guard hai, company fitted, wo abhi khol rahe hai. Ye khulne ke baad fir abhi naya jo hum log leke aaye, wo wala install karenge. फिर देखते हैं बाइक का लुक कैसा आएगा। आई होप लाइक जो हम लोग एक्सपेक्टेशन है वैसा लुक आएगा तो बहुत सही लगेगा। बट या कल करवाने वाले थे, बट कल संडे भी था और बहुत ज़्यादा मैकेनिक जो भी थे सब छुट्टी पे चले गए थे, शाम को बहुत लेट हो गया था हमको कुर्ला से आते आते। आई होप नो वी आर जस्ट वेटेड करके कि कैसा लुक आने वाला है, क्या होने वाला है। ये लेग गार्ड खुलेगा फिर हो जाएगा। नकल गार्ड के लिए भी हम लोग साइड का एक ये जो होता है हैंडल कैप पे वो साइड गट्टा समथिंग बोलते हैं उसको, वो लेके आ गए हैं, वो भी फिटिंग करवाना है। अभी हो रहा है नया वाला इंस्टॉल, जूना वाला यहाँ पे पड़ा है, बट प्रॉब्लम ये हो गया करके कि ये जूना जो ब्रैकेट था वो पूरा टूट चुका है। सो लेट्स सी, देखा आई थिंक धूप से हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी नया वाला इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। या तो कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा ये जो अंदर वाले के लिए, तो यहाँ पे कुछ लॉक का है नहीं, सो विल सी गया क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फिगर आउट करके वहाँ पे करना ही पड़ेगा। बाकी ये पूरा लेग गार्ड है ना हिलेगा, जब भी बाइक चलेगा खड्डे में या ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ तो हिलेगा, रेदर देन कुछ ना कुछ ब्रैकेट डाल के हम लोग उसको पूरा टाइट कर देंगे। और देखते हैं पूरा मैकेनिक के ऊपर ये कुछ ना कुछ तो भाई जुगाड़ लगा ही लेंगे कि क्या कर रहे हैं उसको। But that's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the. So as of now, एक साइड का ऑलमोस्ट लग चुका है पूरा लेग गार्ड। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ का जो भी था ये गट्टी भी लग चुकी है, वो साइड की लग चुकी है, बस वो एक एंड पार्ट का नट फिक्स करना बाकी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ लेग गार्ड स्पेशली होता किसके लिए। फर्स्ट थिंग आपकी बाइक के लिए होता है, जब भी आपका बाइक गिरे कुछ भी हो किधर भी इनकेस एक्सीडेंट होता है तो लेग गार्ड को डैमेज पहुँचेगा, आपकी बाइक को ना पहुँचे वैसा। बट कुछ ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट होता है तो बाइक भी डैमेज होती है एज यू नो गाइस ऑलरेडी। और सेकेंड थिंग, अब ये जो आप घट्टी देख रहे हो ये इसके लिए रहता है कि जब बाइक का एक्सीडेंट हो कुछ भी हो तो ये घट्टी को डैमेज हो रेदर देन आपकी ये लेग गार्ड को ना हो। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि ये बार आफ्टर मार्केट हम लोग पूरा लेग गार्ड लगवाएंगे, देखते कैसा लुक आएगा। नकल गार्ड का मेरे को बहुत ये हो रहा करके मेरे को एक नकल गार्ड का भी लुक देखने का कैसा आने वाला है। इसका साइड का हम लोग जो था घट्टी भी लेके आए, वहाँ पे आई थिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो घट्टी दिया था ना भाई छोटा वाला साइड का, नहीं नहीं वो दूसरा वाला, इसका हैंडल का जरूरी बोलो। हाँ वही, ये देखो ये हम लोग गट्टी लेके आए, ये समथिंग हम लोग को 58 रुपीस में पड़ा है एक पार्ट, तो ये समथिंग 116 रुपीस में पड़ा हुआ है ये पूरा दोनों साइड का, क्योंकि जो जूना वाला था वो खराब हो गया था, तो हम लोग ने सोचा अभी पूरा करवा ही रहे मॉडिफाइड तो अच्छा ही करवा देता। अगर आप लोग भी कभी करवा रहे हो तो एक चीज़ रखना कभी भी कि आप खरीद रहे हो कुछ भी ले रहे हो, छोटी सी चीज़ के लिए ऐसा मत सोचना कि जूना वाला है डाल दो, अगर खराब है नया लो, बाइक भी अच्छा रहेगा आपका और अच्छा लुक देगा।
जूना लोग है, कभी ना कभी ऑफिस 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको नया डलवाने पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में पूरा काम करो, बार बार करवाने से अच्छा मैकेनिक के पास जाना, काम करवाना, 10 बार आपकी बाइक खुलवाना अच्छा नहीं लगता है इसके लिए। बट डीए लगेगा इधर, सो या देखते कैसा लुक आएगा। और यहाँ का भी फिटिंग भी चालू है, ये साइड का भी फिटिंग चालू है, और वो जो दो गट्टी वो इधर लगने वाली है, इधर जैसा आप देख रहे हो ये वाला। Bro, fuck the game up, change up, rearrange stuff to your greatness, same us for the way up, play the game, bro. Never stop, I'll get it if I want it, gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. काम करते करते कोई बसड ना हो ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अभी नकल गार्ड लगाते हुए, ये नकल गार्ड लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्सी को टच हो रहा है, तो जैसे एक्सी घुमा रहे तो टाइट हो जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर का पूरा उसको कट कर रहे हैं, एक्सी के जो साइड का जो रबड़ होता है वो कट करने का। देखो ये साइड पे नहीं ना, ये साइड का पूरा कट करेंगे, फिर फिट करके देखेंगे, हो जाए तो ठीक है, होप फॉर दी बेस्ट। बाकी वो पूरा रबड़ ग्रिप पूरा नया डलवाना पड़ेगा एक्सी के। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है क्योंकि ये पूरा फिट रहता है, तो इधर ये पूरा प्रॉपर टाइट बैठ रहा है। उधर उल्टा भी करके देख लिया, सब करके देख लिया, बट वो टच हो रहा है कंटिन्यूसली और वो हो ही नहीं रहा है। 15 मिनट से समथिंग ये चीज़ पे लगे हुए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि उसको कट करके देखते हैं, बाकी हम लोग को वापस कुर्ला मार्केट जाना पड़ेगा और उसको चेंज करवाना पड़ेगा, फिर उसके साइज़ के हिसाब से वो देखना पड़ेगा प्रॉपर। होप फॉर द बेस्ट इसमें काम हो जाए, क्योंकि अब तो रबड़ भी कट हो चुका है इसके लिए। फाइनली रबड़ तो कट चुका है, अब इसको एक बार बैठा के देखते हैं पूरा कि बैठ रहा है कि नहीं, प्रॉपर टाइट होने के बाद होना चाहिए। अब एक्सी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर हो गया तो फिर जो मेहनत की है पूरा वेस्ट जाएगा, और पूरा रबड़ ग्रिप भी नया डालना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी क्या हो रहा है, रबड़ कट होने के बाद अगर वो लॉक हो गया ना तो दिखेगा नहीं इतना, क्योंकि वो कवर अप हो जाएगा नकल गार्ड की वजह से। बट एज यू कैन सी अब उसको टच नहीं हो रहा है, थोड़ा और टाइट करने का वो हो जाएगा क्योंकि रबड़ कट हो गया उसकी वजह से, अभी ग्रिप पकड़ नहीं रहा है। लकीली काम अच्छे से हो गया है। अब इसका जो ये वाइट आपको दिख रहा है उसको हम लोग ब्लैक पेंट मार देंगे। ये फाइनल लुक है पूरे बाइक का, उसका थोड़ा अभी भी इशू है, हम लोग को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट अभी के लिए ये लुक देखो उसको करेंगे, बट ये फाइनल लुक देख लो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को एक ही चीज़ था करके कि लुक कैसा आएगा, बहुत अच्छा आ रहा है, बट इससे थोड़ा मेरे को अभी भी खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी इधर का पार्ट ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है नीचे इधर वायर से, तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए ब्रेक इतना ये बाहर निकल रहा है क्योंकि हम लोग को उसको क्रॉस करके डालना पड़ा है, उसको लूज़ करके पूरा बैंड किया है। ये साइड का फिट हो गया, ये अंदर हो चुका है प्रॉपरली ये साइड का। I'm always learning with pain, she like to hurt me and maim, I'm always working to change, but she's still lurking the same, I keep on building a dynasty, while the haters be trying me, but they hate from inside, you see, hate themselves in society, so I let them speak quietly, while my actions speak... Finally, हम लोग अभी आए थे, बोरीवली साइड ऑफिस अगेन, गोकुल आनंद साइड आए, अभी हम लोग ने यहाँ से फिटिंग करवाया, अब हो चुका है बराबर, बट ब्रेक अभी भी नीचे, वहाँ से एडजस्ट हुआ तो अभी ब्रेक अंदर टच हो रहा है नकल गार्ड को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट ठीक है अभी चलाना पड़ेगा। बट लेवल हो चुका है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, परफेक्ट, सब चीज़ लेवल पे आ गया। एक और चीज़ था जो आगे का जो हमारा था ये, वो भी बहुत हिल रहा था, उसको पूरा टाइट करवा दिया है, और एक नंबर प्लेट का भी नट निकल गया था, वो भी पूरा टाइट हो गया। सो या अब लुक अच्छा आ रहा है। फाइनली ये पूरा लुक आ चुका है, अब देखो नकल गार्ड पे एग्जैक्ट लग चुका है, प्रॉपर लेवल पे आ चुका है दोनों, पहले अप डाउन हो रहा था बट अब परफेक्ट हो गया है। अब खाली एक ही चीज़ है, ये जो यहाँ का ब्रेक आप देख रहे हो ये हल्का नीचे, ये ऐसे ही बाहर रहने वाला है, उसका रीज़न ये है, हम लोग ने जब ट्राई किया था इसको ऊपर लगा के करने का, बट ये देखो अभी टच हो रहा है इधर, उसकी वजह से उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। बट लेवल एग्जैक्ट आ चुका है, और बाइक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ। और ये जो एसेसरीज हम लोग ने ली थी कितने के लिए क्या कॉस्ट पड़ी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मैंने एसेसरीज पूरा लिया था, ये हम लोग को जो लेग गार्ड पड़ा है वो समथिंग 1200 का पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो हम लोग ने नकल गार्ड लिया था वो हम लोग को 450 का पड़ा था,
और फिटिंग विटिंग करके ऑलमोस्ट समझो फिटिंग में हमारा जो एक इशू हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप जहाँ पे भी कराते हो पहले उसे क्लियर कर लो कि प्रॉपर फिटिंग करके देगा तो ही वहाँ से करवाना, उसके अलावा वहाँ से करवाना मत। रीज़न जहाँ से हम लोग ने करवाया पहले उसने लेग गार्ड प्रॉपर फिट करके दे दिया बट ऊपर नकल गार्ड उससे हो नहीं रहा था तो उसको फिटिंग चार्ज हम लोग ने अलग से दिया। फिर दूसरी जगह गए वो मैकेनिक ने किया उसको भी अलग से देना पड़ा। तो ऑलमोस्ट हमारा जो कॉस्ट फिटिंग चार्ज में गया वो था 350-400 के समथिंग फिटिंग चार्ज गया। उसके अलावा स्क्रू जो भी लगता है वो सब आप लोग को ला के देना पड़ता है, उन लोग को, उन लोग खुद से कुछ देते नहीं है, हम लोग को ला के देना पड़ता है वो चीज़। बट प्रॉपर हो चुका है अभी के लिए। एक ही रहेगा आप लोग के लिए जो टिप है, आप जा रहे हो मार्केट भी खुला मार्केट जाते हो, जो भी आप परचेस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो बार्गेन करो। उन लोग का रेट 1800-2500 रहता है, हम लोग को भी बोला था 1800 या 1600 का बोला, हम लोग ने रेट गिरा गिरा के फाइनल उसने 1200 बोला, उसके नीचे वो कर ही नहीं रहा था। बट इसका क्वालिटी भी और ये देखो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रॉपर फिनिशिंग भी ये देखो एकदम टाइट बैठ चुका है, नक्कल गार्ड का लुक भी बहुत प्यारा है। सो या आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई रहेगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। उसके अलावा भी और मॉडिफिकेशन अगर ये बाइक में होगी तो मैं वीडियो बहुत जल्द डालूंगा, मेरे बाइक में भी करूंगा, मेरा बहुत जल्द प्लान हो रहा है, बहुत सी प्लान है, सरप्राइजेस आएंगे आप लोग के लिए, होप फॉर दी बेस्ट वो सब चीज़ें हो जाए। सो या मिलते हैं आपको बहुत जल्द, टिल दैट डू व्हाटएवर यू वांट बट डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दिस इज निर्मल सुधा साइनिंग आउट।